सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राना। हाँ नहीं कहते राना को जी कहते। अरे जिनकी पहचान बनी मेरी वजह से, आज वो लोग मुझे पहचानते ही नहीं। जो गाली देके छोड़ गई थी आज वो बात कर रही है आपसे। लेकिन क्या करूँ, थूक के चाटना नहीं सिखाया अब आपने। तेरे बिना जिंदगी में खत्म हो गया। तेरे चक्कर में दोस्तों को भूल गया था, लेकिन बुरे वक्त में वही साथ दिखे। कुत्ते तो यूं ही बदनाम है मेरी जान, काटना तो कोई तुझसे सीखे। ना कोरोना की चिंता, ना कोई लॉकडाउन से आस, बस यही दुआ है मोदी जी, बिना एग्जाम दिए करा दो पास। अपने किस्से पर एक किताब लिखूंगा, तेरे सारे झूठ लाजवाब लिखूंगा। अपने किस्से पर एक किताब लिखूंगा, तेरे सारे झूठ लाजवाब लिखूंगा, और प्यार को एक गलती लिखकर कैसे टूटते हैं वो ख्वाब लिखूंगा। कभी भी किसी का फूलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, होलिया ही बदल डालता है। I love you. तेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुझे हाँ बोलूं? चल निकल। I love you. तुम कौन? मैं वही हूँ जिसको तुमने कल प्रपोज किए थे। लेकिन अभी मैं वो नहीं हूँ जो कल था। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पहले ना बेटा दूध की शीशी खत्म कर लो, हमें हराने के सपने देखियो तब। भाई भाई बंदा मार रहा। हाँ हाँ देख गया ऊपर साइड है, मार उसको मार। Nope. मार देंगे, ग्लू वॉल लगा दिया। और बहुत बढ़िया का ग्लू वॉल है भाई तेरा पास। मैं बस यहाँ ये बात, मतलब ही लोगों को सबक कुछ ऐसे सिखाओ, जब वो अपने मतलब के लिए तुमसे बात करने आए उन्हें बीच की उंगली दिखाओ। अभी याद नहीं आती मेरी क्या आती है दीदी। इश्क करने को पूछा उसने कबूल है बोल दिया, कि हमने इश्क करने के लिए पूछा उसने कबूल है बोल दिया, और हमने सहरा सजाने के लिए पूछा तो उसने अप्रैल फूल बोल दिया। क्या बात है भाई, इतने पैसे क्यों उड़ा रहा है? नकली है। जानू कल मेरा जन्मदिन है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? 150 रुपया देगा। और गधे के साथ कहाँ जा रहा है? अबे गधा नहीं कुत्ता है। मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। मर जाओ तुम क्यों नहीं मरते हो? मर जाओ तुम। कौन है तू? चाय पे चलेगी क्या? हाँ चल तो लूंगी, मगर मेरे पैर नहीं जल जाएंगे? वो चाय गरम होती है ना। बताइए, मैं आज तक GF का मतलब गर्लफ्रेंड समझता रहा, और आज कहीं जाके समझ में आया कि GF का मतलब गलत फहमी। 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख। अरे चाचा इस खटारा में ऐसा क्या है? बेटा गाड़ी के 23 बार एक्सीडेंट हो गए, हर बार बीवी मरती है। इसकी माँ का 1 करोड़। जो बताते हैं खुद को प्रो प्लेयर वो असल में कायर हैं, कि जो बताते हैं खुद को प्रो प्लेयर वो असल में कायर हैं। और नूबड़ो हम लोग से पंगा मत लेना, क्योंकि तुम्हारा बाप फ्री फायर है। जानू जब तुम मेरे पापा से मिलो तो खुद को अमीर शो करना। अपने पापा से कहना मैं गरीबों से नहीं मिलता। सारे के सारे किरदार निकले भाई, भाई भी सब छोड़ के चले गए। तू तो नहीं जाएगा ना? तू नहीं जाएगा ना भाई? मेरे भाई तुम मेरी जिंदगी में आ तो गए हो, मगर एक चीज का ख्याल रखना कि हम जान दे देंगे मगर तुझे जाने नहीं देंगे। खूबसूरत तो लड़कियां होती है, हम लड़के तो खूंखारी अच्छे लगते हैं। अरे मन तो नहीं करता मेरा कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाऊं, पर क्या करूं, लोग हरकत ही कुत्तों वाली करते हैं। शुक्र है वो हमसे जुदा हो गए, शुक्र है वो हमसे खफा हो गए, खत्म हुआ अब रोज का लड़ना, शुक्र है यारों वो बेवफा हो गए। अरे तू हुक्म तो कर, ताजमहल को भी खरीद लूं।
बस वो बात अलग है कि अभी तक दोस्तों का उधार वापिस नहीं किया। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज कमा सकते हो उसे मांगना बंद करो। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहो। बेटा जितना ज्ञान की तरह उछलना है ना उछल ले, जिस दिन बल्ले में आ गया छक्का बना दूंगा। मेरे पापों का हिसाब आया। अरे पागल है वो लोग जो 8 फरवरी को प्रपोज कर रहे हैं। अरे समझदार तो वो लोग हैं जो 1 अप्रैल को प्रपोज करेंगे। मान गए तो कूल, वरना दीदी अप्रैल फूल। के दिल दुखा है मेरा तो अपने दिल के सारे हालात लिख दूंगा। दिल दुखा है मेरा तो अपने दिल के सारे हालात लिख दूंगा। शायर हूं जनाब, अपने लफ्जों में पूरी कायनात लिख दूंगा। शायर हूं जनाब, अपने लफ्जों में पूरी कायनात लिख दूंगा। और उसे कह दो कि वो ज्यादा औकात औकात ना करे। उसे उसे कह दो कि वो ज्यादा औकात औकात ना करे। मैं अपनी औकात पे आया तो उसकी औकात लिख दूंगा। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे साथ मूवी चलोगे? तुम मेरा हाथ तो नहीं पकड़ोगे ना? अरे नहीं नहीं, तुम मुझे किस तो नहीं करोगे ना? अरे बिल्कुल भी नहीं। तो अपने बहन के साथ जाना। भाई इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हो? कौन मैं? हाँ तुम। ठीक है बताता हूँ। ऐसे। भाई। हाँ जी। पैर में है जूता। वाह वाह। पैर में है जूता। वाह वाह। पैर में है जूता। आगे बोल। मेरा भाई कुत्ता। आपने ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं। वैसे अपना नाम क्या बताया था? वो सेंट्रो टाटा सेनोरिटा। हाँ वही साइन थी था। वैसे नाम में क्या रखा है मैडम जी? जिसका नाम खुशबू है भाई पाद दे। क्या बात है भाई, आज तो जींस पहन रखी है। तो कल क्या पेटीकोट पहन रखा था? ओ मेरे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मेरी तड़प का अंदाजा नहीं तुझे, हर रोज न जाने कितने खंजर सीने से पार होते हैं। दुनिया के सामने हमसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं, पर अकेले में सर पटक पटक कर रोते हैं। हेलो हेलो यार, जो मैं कर सकता हूँ वो आप कर सकते हैं? हाँ। ये करके दिखाए। ये लो। हाय राम, सुंदर लड़का देखा नहीं, प्रपोज मारना स्टार्ट कर दी चिमकांडी। घर में बता के आती मम्मी ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ, यहाँ पे लड़के छेड़ती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अब आप पूछोगा कैसा? तो देखो ऐसा ऐसे कैसे फंसा सकता है यार। अरे भाई भागने दे, प्लीज भागने दे। अरे फंसा दिया, अटक गए, कुछ काम नहीं कर रहा। अब हिम्मत नहीं है फिर से दिल लगाने की। मैं टूटे दिल को सी करके आया हूँ कि अब हिम्मत नहीं है फिर से दिल लगाने की। मैं टूटे दिल को सी करके आया हूँ। और मैडम जी थोड़ी सोशल डिस्टेंस बना लो मुझसे, एक तो मैं पैदा इसी बदतमीज और ऊपर से पी कर आया हूँ। हेलो नमस्ते सर, जियो कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। तू अपना नमस्ते अपने पास रख और पहले ये बता कि नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ रहा जियो का? जी सर अभी सर्विस डाउन है सर, तो थोड़ा देर बाद प्रयास। अबे मेरे को तुम लोगों से बात ही नहीं करना, अंबानी से बात करा। अंबानी का। अरे कल मेरे आस पड़ोस के कुछ लोग कहते हैं कि फेमस तो कुत्ता बिल्ली भी आते हैं, ताले भोंकते खुद हैं, और ये वही लोग हैं जिनसे बराबर नहीं होती ना, तो चार जनों के सामने बुराई करते हैं।